मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया आप भी थे कि भाई जिस तरह से जींद में जैसे सुरजे हुडा ने सुरजे वाला काटा निकाला आप इसको बयान को कैसे मानेंगे? वही बात और क्या है, और उसका क्या लड़ना था? उनने वो फंसवा दिया, उनने आग लगा फंसा दिया, दोनों भाई बराबर क्या? क्या लगा जिस तरह से अब यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि वो जनता को कह रहे हैं कि मेट्रो हम ला कर देंगे? वो तो ले गए, हमने लाए दी पहले, क्यों नहीं 10 साल रहा था जब ला देता, हमने पास करा दी, 1 साल शुरू हो जाए हो रहा है। अरे 9-10 साल में क्यों नहीं रोक के था ना अपना टिके थे नो भाई 10 साल तू रह लिया। ये बागल्याण की बाढ़ देखे, सेंटर का काम है मेट्रो का, सेंटर में सरकार मारी बन ली, हरियाणा में मारियो लिया हुआ के जिस तरह से कह रहे हैं इधर चंडीगढ़ का रास्ता तय करेंगे सोनीपत से, ऐसी बातें भी सामने ऐसा ये रास्ता जो है ना इजी रास्ता ये कहने में और सपने लेने में कुछ नहीं बिगड़ता, रोहत का रास्ता साफ है, इंतजाम में फंसा जाएगा। कांग्रेस में इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा कि कई गांव में जो है जाते हैं तो विरोध हो रहा है, इस तरह की बातें उनके एक दो आदमी अपने वो खड़े कर देते होंगे, उनका यहाँ वोट के नहीं जाएंगे, पता चल जाएगा कितने वोट है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। अच्छा गांव के ग्रामीण भी कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं? कुछ नहीं कहते, जिन्होंने पर्ची वो ऐसा है का आदमी जो मैनुपलेटेड होता है उनके पास वो फ्रस्ट्रेट है, कुछ बचा था नहीं, वोट बचा नहीं, राज बचा नहीं, था जितने हुए बेचारे तो क्यों 106 गाँव में कनेक्टिविटी पहुंचाई, 272 गांवों में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया, अटल सेवा केंद्र को गांव तक पहुंचाया, सोनीपत और झीन के अस्पताल को 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड का कराया, 27 व्यायामशाला और 10 गोल्डन खेल नर्सरी बनाकर हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए काम करने का था। मुख्यमंत्री